ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज कौन सा तेरवा मंत्र है ना? नहीं प्रभु जी, 14th है। 14th है, ओके। दिख रहा है ना माता जी स्क्रीन? जी प्रभु जी। जी संभूतिं च विनाशं च यस्तद् वेदो भयं सह विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा संभूत्याम् अमृतम् अश्नुते। संभूतिं च विनाशं च यस्तद् वेदो वयं सह विनाशेन मृत्युर्तेत्वा संभूत्या संभूत्या अमृतम् अश्नुते। मेरे साथ पढ़िए। संभूतिं च विनाशं च यस्तद् वेदो वयं सह विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा संभूत्या अमृतम् अश्नुते। संभूतिं शाश्वत भगवान को उनके दिव्य नाम रूप लीलाओं तथा गुणों को सामान को उनके काम की विविधता आदि को तथा विनाशम देवताओं मनुष्यों पशुओं इत्यादि की क्षणिक भौतिक अभिव्यक्ति तथा उनके मिथ्या नामों यश इत्यादि को च भी यह जो तत्व वे जानता है उभयम दोनों को सह सहित विनाशेन विनाशील से मृत्यु मृत्यु को तीर्त्वा पार करके संभूत्या भगवान के शाश्वत राज्य में अमृतम अमरता अश्नुते भोगता है। एक मंत्र क्या कहता है इस उपनिषद का? मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके दिव्य नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के साथ ही साथ, ये तो जाने, इसके साथ ही साथ क्या अस्थाई देवताओं, क्योंकि देवता अस्थाई क्यों कहे जाते हैं? वो हमेशा नहीं रहते, मतलब बदलते रहते हैं। मनुष्यों
तथा पशु से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भली भांति जान ले। ये जानना आपको जरूरी है, भगवान क्या है, देवता क्या है, ये सारे जीव क्या है, ये 84 लाख क्या है, ये सब अच्छी तरह जानना चाहिए। जब मनुष्य इन्हें जान लेता है तो वह मृत्यु एवं अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है। तब उसको जब समझ आ जाता है तो वो सोचता है यहाँ तो गड़बड़ है, जाओ शाश्वत जगत में और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान का शाश्वत जीवन भोगता है। क्योंकि जब आपको समझ आ जाता है ये रहने लायक जगह नहीं है तो आप वहां से अपना जगह बदलते हैं, ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां आपको कोई तकलीफ नहीं। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप किसी नदी के किनारे आपका आवास है और आपको पता है नदियों में बाढ़ आती है तो घर कभी भी जा सकता है, तो आपको डर है वहां रहने का, आप क्या करोगे, अपने वहां से हट के कहीं कोशिश करोगे ऐसी जगह पर रहने की जहां बाढ़ का खतरा न हो, है ना। और अगर भूस्खलन का खतरा है, लैंडस्लाइड का, तो ऐसे पहाड़ के नीचे भी नहीं रहोगे जहां भूस्खलन होता है, कोई पक्के पहाड़ के नीचे तो आप रह सकते हैं। तो ये सब आप ढूंढते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है आपको ये भी जानना जरूरी है, ये जगह जहां मैं रह रहा हूँ ये गड़बड़ है, तो स्थायी जगह कहाँ मुझे रहना चाहिए ये आपको ढूंढना। तो उसके लिए आपको ये जो अस्थाई जगह है इनका भी पता होना चाहिए और स्थाई जगत का भी पता होना चाहिए, और जो उसमें आपके और उलझने आती हैं और जो चीजों से आपका सामना करना पड़ता है उनके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। भौतिक जगत की बात कह रहा हूँ, यहाँ तो भगवत धाम जाने की बात हो रही है, यहाँ ये सब समझ आ गया आपको, ये समझ आ गया मैं इंडिया में रहूं, मैं जापान में रहूं, मैं अमेरिका में रहूं, या मैं जर्मनी में रहूं, इंग्लैंड में रहूं, फ्रांस में रहूं, कहीं भी रहूं, लेकिन मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मेरी छुट्टी नहीं हो सकती, मुझे तो वह चाहिए, मुझे बुढ़ापा बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे बीमारी बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे जवानी चाहिए। तो ये कहाँ होगा, भगवत धाम। कोई यहाँ तक कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुट्टी ही नहीं, आपका ये जो प्रलय होते रहते हैं इनसे भी छुट्टी, क्योंकि भगवत धाम का प्रलय नहीं होता। मेरे साथ पढ़िए, मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके दिव्य नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के साथ ही साथ अस्थाई देवताओं मनुष्यों तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भली भांति जान ले। जब मनुष्य इन्हें जान लेता है तो वह मृत्यु एवं अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान का शाश्वत जीवन भोगता है। एक तो आपको आनंद, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, उधर एक बात तो यह है। दूसरी बात तो बहुत जरूरी है आपके लिए, ज्ञान, आपको ज्ञान हो जाता है, आप असली ज्ञान, इसका विज्ञान का, आध्यात्मिक ज्ञान को विज्ञान भी कहते हैं, उसका आपको ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान भी बहुत जरूरी है, वहां कोई मूर्ख नहीं होता, वहां जीवन शाश्वत है, शाश्वत जगत में आनंद ही आनंद है, कोई दुख नहीं है, और ज्ञान है। ज्ञान के आप
भगवान ज्ञान के भंडार हैं, तो वहां जितने भी भगवान के भक्त हैं सब ज्ञानी, इसलिए ज्ञान है, आनंद है, इसलिए वहां कोई कला नहीं है, कोई कला नहीं। ये जो एक आप सुनते होंगे जय विजय करके भगवान के दो द्वारपाल, उनको पृथ्वी पर आना पड़ा क्योंकि चार कुमारों ने उन्हें श्राप दे दिया और भगवान ने कहा कि ये मेरे सेवक हैं और आप, तुमने जो इनको श्राप दिया है, ब्राह्मण थे वो, श्राप दिया तो वापस नहीं हो सकता है। बाद में उनको बहुत गिलानी भी हुई, हमने ये अपराध हो गया हमसे, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है, वापस नहीं हो सकता ब्राह्मण का दिया श्राप, सिर्फ भगवान उसको नलीफाई कर सकते हैं, भगवान निरस्त कर सकते हैं किसी भी श्राप को, लेकिन भगवान अपने भक्तों का दिया हुआ श्राप कभी निरस्त नहीं करते, भक्तों के दो भक्त वत्सल हैं भगवान, जैसा दिया है वैसा ही होगा। उन्होंने कह दिया था तुम तो ब्रह्मांड भौतिक जगत में रहने लायक हो, क्योंकि द्वारपाल ने सातवें दरवाजे पर उनको रोक लिया था, तो उन्होंने कहा मैं, हम तो भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, क्यों क्यों रोका, कि हम कोई दुष्ट हैं, यहाँ दुष्ट आदमी तो घुस ही नहीं सकता, ऐसे करके हुआ। भगवान ने, क्योंकि भक्त ने साफ दे दिया था, उसको भी रखा और भगवान ने कहा तुम, तुम्हारी तुम्हारी जय हो, जय विजय को, और तुम थोड़े टाइम के लिए हो आओ और जल्दी ही तुम वापस आओगे, ऐसे करके कुछ कारण है वो, लेकिन वैकुंठ से कोई वापस नहीं आता। जब तक कोई भगवान से विनती न करे कि हमको भौतिक जगत में जाना है, वहां हमने अपना, जैसे यहाँ आपका राज्य है, हम भी अपना राज्य चाहते हैं, ऐसे किसी के दुर्बुद्धि आ जाए किसमें, वही आ सकता है, वो दुर्बुद्धि किसी में आ नहीं सकती, क्योंकि वो उनमें ज्ञान भी है, आनंद और ज्ञान भी है। जब ज्ञान है तो मूर्ख क्यों आए, यहाँ क्यों आएगा। जय विजय को आना पड़ा, वो आप भागवतम में है, आगे आप पढ़ेंगे, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। ज्ञान की तथा कथित प्रगति के द्वारा मानव सभ्यता ने अनेक भौतिक वस्तुओं को जन्म दिया है, जिनमें अंतरिक्षयान तथा परमाणु शक्ति भी सम्मिलित है, फिर भी वह जन्म जरा रोग तथा मृत्यु से मुक्ति दिलाने में विफल रही हैं। जब भी बुद्धिमान मनुष्य तथा कथित वैज्ञानिक के समक्ष इन कष्टों को प्रश्न को उठाता है, तो वह अत्यंत चतुराई से उत्तर देता है कि भौतिक विज्ञान प्रगति कर रहा है और अंततः मनुष्य को मृत्यु रहित बनाकर और वृद्धावस्था से छुटकारा दिलाकर अमर बनाया जा सकेगा। ऐसा उत्तर भौतिक प्रगति के विषय में वैज्ञानिकों के निपट अज्ञान को बताने वाले हैं। भौतिक प्रकृति के अंतर्गत प्रत्येक जीव कठोर भौतिक नियमों से के अधीन है और इसे अस्तित्व की छह अवस्थाओं में से गुजरना होता है। ये हैं जन्म, वृद्धि, पालन, उपोत्पादन, क्षय तथा अंतोगत्वा मृत्यु। प्रकृति के संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति इन छह नियमों से परे नहीं रह सकता। अतएव चाहे देवता, मनुष्य, पशु या वृक्ष कोई भी हो, वह भौतिक जगत में सदा जीवित नहीं रह सकता। जीवन की अवधि यानी आयु योनियों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। इस भौतिक ब्रह्मांड में जीवों में प्रधान ब्रह्मा जी लाखों वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि एक सूक्ष्म कीटाणु केवल कुछ ही घंटे जिंदा रहता है। इस जगत में कोई शाश्वत नहीं है। इस जगत में वस्तुएं विशेष तिथियों में उत्पन्न होती हैं या पैदा की जाती हैं। वे कुछ काल तक रहती हैं और यदि वे बनी रहती हैं तो बढ़ती हैं, उत्पत्ति करती हैं,
क्रमशः क्षीण होती हैं और अंत में लुप्त हो जाती हैं। इन नियमों के अनुसार विभिन्न ब्रह्मांडों के लाखों ब्रह्मा भी आज या कल मृत्यु को प्राप्त होंगे, इसलिए सारा भौतिक ब्रह्मांड मृत्युलोक कहलाता है। भौतिक विज्ञानी तथा राजनीति इस स्थान को मृत्यु विहीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मृत्यु विहीन आध्यात्मिक प्रकृति का कोई ज्ञान नहीं है। यह तो उस वैदिक साहित्य के प्रति उनका अज्ञान है जो प्रौढ़ दिव्य अनुभव के आधार पर पुष्ट ज्ञान से पूर्ण है। दुर्भाग्यवश आधुनिक मनुष्य वेदों, पुराणों तथा अन्य शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करने में रुचि नहीं रखता है। विष्णु पुराण 6761 में हमें निम्नलिखित जानकारी मिलती है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म सम्यग्ज्ञा तृतीया शक्तिर ईश्यते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां हैं, ये परा तथा अपरा कहलाती हैं। जीव परा शक्ति में आते हैं, भौतिक शक्ति जिसमें हम अधुना फंसे हुए हैं वो अपरा शक्ति है। इसी शक्ति से भौतिक सृष्टि संभव होती है। यह शक्ति जीव को अविद्या से अवांछित कर देती है और उन्हें सकाम कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। फिर भी भगवान की पराशक्ति का एक और भाग है जो इस भौतिक अपरा शक्ति तथा जीवों से भिन्न है। इस पराशक्ति से भगवान का शाश्वत या अमर निवास बना है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 8.22 में हुई है। परा तस्मात् तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तत् सनातनः यास सर्वेषु भूतेषु नाशयत्सु न विनश्यति। सारे भौतिक लोक उदर अथ तथा मध्य लोक जिनमें सूर्य, चंद्र तथा शुक्र सम्मिलित हैं, ब्रह्मांड भर में बिखरे हुए हैं। ये सारे लोग ब्रह्मा के जीवन काल तक ही रहते हैं, लेकिन कुछ अधुलोक तो ब्रह्मा के एक दिन की समाप्ति पर नष्ट हो जाते हैं और दूसरे दिन पुनः उत्पन्न होते हैं। उधर लोकों में समय की गणना भिन्न रीति से होती है। अनेक उच्चतर लोकों में हमारा एक वर्ष एक दिन तथा रात्रि अर्थात 24 घंटों के बराबर होता है। इन लोकों की काल माप के अनुसार पृथ्वी के चारों युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग केवल 12,000 वर्ष तक रहते हैं। यदि इस काल में को 1,000 से गुणा किया जाए तो यह ब्रह्मा के दिन के तुल्य होगा और ब्रह्मा की एक रात भी इतनी ही होती है। ऐसे दिन रात मिलकर मास तथा वर्ष की सृष्टि करते हैं और ब्रह्मा ऐसे 100 वर्षों तक जीवित रहता है। ब्रह्मा के जीवन का अंत होने पर संपूर्ण भौतिक सृष्टि विनष्ट हो जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण एल आशा माता जी। हरे कृष्ण एल आशा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए माता जी। वे जीव जो सूर्य तथा चंद्रमा जैसे उच्च लोकों में वास करते हैं तथा वे जो मृत्यु लोक में जिसमें ये पृथ्वी तथा नीचे के अनेक लोक सम्मिलित हैं वास करते हैं सभी ब्रह्मा की रात्रि के समय प्रलय के सागर में डूब जाते हैं। इस काल में कोई भी जीव या योनि जीवित नहीं रहती, यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टि से ये बने रहते हैं। ये अप्रकट अवस्था अव्यक्त कहलाती है। पुनः जब ब्रह्मा की आयु के अंत में सारा ब्रह्मा नष्ट होता है तो एक अन्य अव्यक्त अवस्था आती है, किंतु इन दो अव्यक्त अवस्थाओं से परे एक और अव्यक्त अवस्था है, आध्यात्मिक आकाश या प्रकृति। इस आकाश में अनेक आध्यात्मिक लोक हैं और वे शाश्वत हैं, जबकि इस भौतिक ब्रह्मांड के सारे लोक ब्रह्मा के जीवन की समाप्ति पर नष्ट हो जाते हैं। सारे ब्रह्माओं के अधिकार में अनेक भौतिक ब्रह्मांड है, अनेक भौतिक ब्रह्मांड है। प्रत्येक ब्रह्मा के क्षेत्र अधिकार में एक और विभिन्न ब्रह्मांडों के अधीन जितना दृश्य जगत है वे परमेश्वर की मात्र एक चौथाई शक्ति का प्रदर्शन है, यानी एक पाद विभूति।
ये अपराशक्ति है। आध्यात्मिक प्रकृति ब्रह्मा के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। जो त्रिपाद विभूति भगवान की शक्ति का 3/4 भाग कहलाती है, ये परा प्रकृति है। आध्यात्मिक प्रकृति में निवास करने वाले अधिष्ठाता परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है। जैसा कि भगवत गीता में 8.22 पुष्टि की गई है, केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है, ज्ञान योग या कर्म की विधियों द्वारा नहीं। कर्मी लोग स्वर लोकों तक जिनमें सूर्य तथा चंद्र सम्मिलित हैं उठ सकते हैं, ज्ञानी तथा योगी इससे भी उच्च लोक तथा यथा महर लोक तपोलोक तथा ब्रह्म लोक तक पहुंच सकते हैं। किंतु भक्ति द्वारा जब वे और अधिक योग्य हो जाते हैं तो उन्हें अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार आध्यात्मिक प्रकृति में या तो आध्यात्मिक आकाश के प्रदीप्त विश्व प्रवेश में ब्रह्म या वैकुंठ लोकों में प्रवेश करने दिया जाता है। लेकिन इतना तो निश्चित है कि भक्ति में प्रशिक्षित हुए बिना किसी को भी वैकुंठ लोकों में प्रवेश नहीं होने दिया जाता। भौतिक लोकों में ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सारे प्राणी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करते हैं और यही भव रोग है। जब तक ये भव रोग रहता है तब तक प्रत्येक जीव को शारीरिक परिवर्तन की प्रक्रिया में से गुजरना पड़ता है, चाहे वह मनुष्य का रूप प्राप्त करे या देवता या पशु का। उसे दो प्रलयों, ब्रह्मा की रात्रि की प्रलय तथा ब्रह्मा के जीवन के अंत की प्रलय के बीच के अव्यक्त अवस्था सहन करनी पड़ती है। यदि हम जन्म तथा मृत्यु के बारंबार के चक्र को समाप्त करना चाहते हैं तथा साथ ही साथ बुढ़ापे तथा रोग को भी दूर करना चाहते हैं तो हमें आध्यात्मिक लोकों में प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता जी, पैरा कंप्लीट कर रही है। थोड़ा सा और स्कोर डाउन कर दीजिए, शो नहीं हो रहा। आ गया है माता जी, ऊपर से पानी है माता जी। ओके। जहाँ हम भगवान कृष्ण या उनके समाश विस्तारों अर्थात नारायण रूपों की संगति में नित्य रह सकते हैं, भगवान कृष्ण या उनके पूर्णांश इन असंख्य लोकों में से प्रत्येक में प्रभुत्व बनाए हुए हैं, जो एक तथ्य है जिसकी पुष्टि श्रुति मंत्रों में होती है। एको वशी स्वर्गः कृष्ण कृष्ण इधे एको एका अपि सन बहुदा यह अवभाति, गोपाल तापनी उपनिषद 8.3.21 में कहा गया। कृष्ण के ऊपर कोई प्रभुत्व नहीं जमा सकता। हरे कृष्ण जी। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण के ऊपर कोई प्रभुत्व नहीं जमा सकता। ये तो बद्ध जीव है जो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाना चाहता है और उल्टे प्रकृति के नियमों को तथा बारंबार जन्म मृत्यु के कष्टों को भोगता है। भगवान यहाँ पर धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए आते हैं और मूल सिद्धांत तो यह है कि उनकी शरण में जाने के लिए मनोभाव को विकसित करना होता है। भगवत गीता में 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान का यही अंतिम आदेश है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम ब्रज, अन्य सभी धर्मों को त्याग कर मात्र मेरी शरण में आओ। लेकिन मूर्खों ने इस मूल शिक्षा की गलत व्याख्या करके जनता को विभिन्न प्रकार से भ्रष्ट किया है। लोगों को अस्पताल खोलने के लिए तो प्रेरित किया गया है किंतु भक्ति द्वारा वैकुंठ जाने के लिए अपने आप को शिक्षित करने के लिए नहीं बताया गया। उन्हें अस्थाई राहत कार्य में ही रुचि देने की शिक्षा दी गई है जिसमें जीव को कभी भी वास्तविक सुख नहीं मिल सकता। वे प्रकृति की विनाशकारी शक्ति को वश में करने के लिए अनेक प्रकार की सार्वजनिक तथा अर्ध सरकारी संस्था चलाते हैं लेकिन वे दूजे प्रकृति को शांत करना नहीं जानते। अनेक लोगों को भगवत गीता का महान पंडित प्रचारित किया जाता है लेकिन वे गीता के उस संदेश पर ध्यान नहीं देते हैं जिससे भौतिक प्रकृति को शांत किया जा सकता है। शक्तिशाली प्रकृति को भगवत चेतना जागृत करके ही शांत किया जा सकता है, जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक से स्पष्ट युक्त हुआ है। इस मंत्र द्वारा श्री ईश्वरोपनिषद सिखाता है कि मनुष्य को संभूति परम पुरुष भगवान तथा विनाश क्षणिक भौतिक प्राकृत्य दोनों को ही साथ साथ भली भांति जानना चाहिए। केवल भौतिक सृष्टि को जानकर कोई किसी को नहीं बचा सकता क्योंकि प्रकृति में प्रतिक्षण विनाश लीला चलती रहती है।
हनि हनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम नहि अस्पताल खोलकर किसी को इस विनाश लीला से बताया जा सकता है। केवल आनंद तथा सतर्कतापूर्ण शाश्वत जीवन के पूर्ण ज्ञान से किसी को बताया जा सकता है। संपूर्ण वैदिक योजना मनुष्यों को शाश्वत जीवन की उपलब्धि की इस कला में शिक्षित बनाता है। लोग गाया इंद्रिय तृप्ति पर आधारित क्षणिक आकर्षण वस्तुओं द्वारा भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन इंद्रिय विषयों के प्रति की जाने वाली सेवा प्रतिभिष्ट करने वाली तथा नीचे गिराने वाली है। अतएव हमें अपने आप को तथा अपने संगी को सही ढंग से बचाना चाहिए। सत्य को चाहने या न चाहने का प्रश्न नहीं है, वो तो है ही। यदि हम बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के चक्र से बचना चाहते हैं तो हमें भगवान की भक्ति ग्रहण करनी चाहिए। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता क्योंकि ये तो अनिवार्यता का विषय है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत धन्यवाद। तो प्रभुपाद कहते हैं हम सोच रहे हैं हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, तो बहुत जो कहते हैं ना बहुत, ये बहुत डेवलप हो गया, ये बहुत तरक्की कर ली, उस देश में बहुत तरक्की, हाँ हुई है। कौन सी? भौतिक। वो क्या है? क्षणिक है। अगर आप कोई चीज बहुत अच्छा बना भी लेते हैं वो परमानेंट नहीं है। ये प्रभुपाद कह रहे हैं ये ज्ञान लोगों में कब आएगा। तो इसलिए इस श्लोक का जो पहले भावार्थ है वो बड़ा अच्छा है कि आप सिर्फ सब कुछ जानिए, भगवान क्या है वो जानिए, भगवान का धाम क्या है वो जानिए, भगवान का नाम रूप सारा वो सब एक ही चीज है वो जानिए, देवताओं को जानिए, देवता कौन है बहुत अच्छी तरह जानना चाहिए कि क्या देवता ये परमानेंट हैं, क्या जो इंद्र स्वर्ग का राजा है ये हमेशा नहीं, ये तो प्रलय होगा चला जाएगा फिर दूसरा इंद्र आएगा, परमानेंट नहीं है। इसी तरह हम परमानेंट नहीं है, हम भी चले जाते हैं, आपको इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आपके दादा के दादा जिंदा हैं? नहीं। उनके दादा? नहीं। उनके दादा? नहीं। और बहुतों के तो दादा भी चले गए, मेरे लिए जैसे मेरे माँ बाप भी चले गए, तो ये स्थाई जगत है ही नहीं। यहाँ ऐसा है जिसको आप सुख समझते हैं वो सुख है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे दुख है। कोई भी सुख आपको मिलता है उसके पीछे दुख भी है। तो आप देखेंगे सुख आया दुख आता है, और दुख तो यहाँ हमेशा ही है, कभी कभी क्षणिक सुख भी मिलता है लेकिन उसके पीछे की तरफ दुख भी होता है। सुख बिना दुख के यहाँ है ही नहीं, वो खाली भगवत धाम में। ये जब चीजें आपको समझ आने लगती हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप इस भौतिक जगत से आपकी छुट्टी हो। जैसे बहुत कुछ बताया प्रभुपाद ने, ऐसे होते भी हैं कुछ जीव पैदा होते हैं कुछ घंटों के लिए, बस उनकी उम्र घंटों तक की होती है, कोई दिनों तक होती है, किसी के वर्षों तक होती है। आप जानवर पालते हैं उनकी उम्र आपसे कम है, आपके उम्र मनुष्य की उम्र जानवरों से ज्यादा है। हाँ कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी उम्र मनुष्य से भी ज्यादा है लेकिन अधिकतर ऐसा है। तो आप अगर तरक्की कभी हो तो क्या हो कि मनुष्य मरे नहीं। क्या फायदा अगर आप बूढ़े हो गए? बूढ़े हैं तो अगर आपकी उम्र 50 साल और बढ़ा दी जाए तो आप तो बोझ हैं अपने परिवार के ऊपर, आप बोझ हैं इस धरती के ऊपर, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आप इतने वृद्ध हैं कि आपसे कुछ हो नहीं पाता तो आप तो बोझ हो गए। ऐसा नहीं, तो बुढ़ापा भी नहीं चाहिए, है ना, और बचपन भी नहीं चाहिए। क्यों? बचपन में आप दूसरों पर आश्रित होते हैं, वो भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जवानी, जहां पर आप किसी पर आश्रित नहीं होते, आपको आपके शरीर में बल होता है, आप कुछ भी अपने लिए कर सकते हैं, ये बात तो बनती है। तो ऐसी तरक्की कोई विज्ञान
में कर सकता है? बिल्कुल नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। जन्म मृत्यु जरा आदि निश्चित है, इसलिए इसमें कहा गया इसको भी जानो कि पशु योनि क्या है, देवता क्या है, हम कौन हैं और भगवान कौन है। ये सब ज्ञान आपको ऑलरेडी हो गया है भगवद गीता में, आपने सब पढ़ लिया। ये तो ये श्लोक कहता है इस उपनिषद का, बड़ा अच्छा है। 15वां श्लोक है, हिरण्यम् मेन पात्रेण सत्यस्य सत्यस्य अपि हितं मुखं तत्त्वं पोषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। मेरे साथ पढ़िए, हिरण्यम् हिरण्यम् एन पात्रेण हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितं मुखं सत्यस्य अपि हितं मुखं तत्त्वं पोषन् अपावृणुम् सत्य धर्माय दृष्टये स्वर्णिम तेज वाले पात्रेण दीप्तावरण से सत्यस्य परम सत्य के अभिहितम प्रसन्न मुखम चेहरा मुह को तत् वह आवरण त्वम तुम पूषण हे पालक अपावरण कृपया हटा दीजिए। बहुत बढ़िया है। सत्य शुद्ध धर्माय भक्ति के लिए दृष्टि प्रदर्शन हेतु बहुत अच्छी प्रार्थना भगवान को। हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। कौन? ब्रह्म ज्योति से ढका हुआ है, चेहरा नहीं दिख रहा है। कृपा करके इस आवरण को हटा दीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए। तो अगर ब्रह्म ज्योति कम हो जाए तो आप चेहरा दिखेगा भगवान का, इसका मतलब ब्रह्म ज्योति भी नहीं चाहिए हमको, आप ही चाहिए, आपके ही दर्शन करने। मेरे साथ पढ़िए, हे भगवान, हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है, आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए। श्री कृष्ण, अत्रि मोदक माता जी, हरे कृष्ण। तात्पर्य भगवत गीता श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद के द्वारा भगवत गीता 14.27 में अपना साकार स्वरूप में दिदीप्य मानते ब्रह्म ज्योति का वर्णन भगवान इस प्रकार करते हैं, ब्रह्मण ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अभवश्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य ऐकान्तिकस्य च। मैं उस निराकार ब्रह्म का आधार हूँ जो अमर अविनाशी तथा शाश्वत है और जो परम सुखा स्वाभाविक पद है। ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान एक ही परम सत्य के तीन पहलू हैं। ऐसा ब्रह्म ऐसा पहलू है जो आरंभकर्ता व्यक्ति के लिए सहजगम्य है। परमात्मा स्वरूप उनके द्वारा अनुभव गम्य है होता है जिन्होंने और आगे प्रगति कर ली है। और भगवान साक्षात्कार तो परम सत्य की चरम अनुभूति है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 7.7 में की गई है, जहां पर भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि ये परम सत्य की चरम धारणा है। मत
परतरंग नान्यत अतः कृष्ण ब्रह्मज्योति एवं सर्वव्यापी परमात्मा दोनों के स्रोत है। भगवत गीता 10.42 में कृष्ण आगे कहते हैं, अथवा बहुनोतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टमहम इदं कृष्णम एकांशेन स्थित जगत। लेकिन हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है, मैं अपने एक अंश मात्र से इस समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारणा करता हूँ। इस तरह अपने एक अंश सर्वव्यापी परमात्मा स्वरूप से भगवान संपूर्ण भौतिक विराट सृष्टि का पालन करते हैं, साथ ही वे आध्यात्मिक जगत में भी कुछ व्यक्त है उसके पालन करता है। अतएव श्री ईशोपनिषद के इस श्रुति मंत्र में भगवान को पूषण अर्थात चरम पालक के रूप में संबोधित किया गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सतत दिव्य आनंद से पूरित है, आनंदमय अभ्यासत। आज से 5000 वर्ष पूर्व जब ये भारत में वृंदावन में विद्यमान थे तो ये सदैव दिव्य आनंद में निमग्न रहे। यहाँ तक कि अपनी बाल लीलाओं के आरंभ से ही वे ऐसे थे। अघ, वक, पुतना तथा प्रलंब जैसे अनेक असुरों का वध उनके लिए आनंददायक क्रिया थी। वृंदावन के ग्राम में उन्होंने अपनी माता भ्राता तथा मित्रों के साथ आनंदपूर्ण लीलाएं की। और जब ये चपल माखन चोर की भूमिका निभा रहे थे तो उनके सारे संगी उनके इस चोरी का दिव्य आनंद उठा रहे थे। माखन चोर के रूप में भगवान का जस उपालंभ के योग्य नहीं है, क्योंकि माखन चुरा कर भगवान अपने शुद्ध भक्त को आनंद प्रदान कर रहे थे। भगवान ने वृंदावन में जो कुछ भी किया वो सब उन्होंने अपने संगियों को आनंद प्रदान करने के लिए किया था। भगवान ने ये लीलाएं उन शुष्क मनोधर्मियों एवं तथा कथित हठयोग के उन कलावाजों की आकृष्ट करने के लिए की जो परम सत्य की खोज करना चाहते है। भगवान तथा हरे कृष्ण माता जी, किसी और कृष्ण सुमन कुलर माता जी, मोदक माता जी, आप कहाँ से हैं? मैं तो वेस्ट बंगाल वर्धमान। हाँ, वर्धमान। आपको हिंदी बहुत अच्छी पढ़ते हैं आप, आपको हिंदी सीखनी पड़ी? नहीं प्रभु जी, हम तो 5-6 दो क्लास केवल हिंदी पढ़ा, फिर हम लेकिन आप सीख गए। हाँ। बहुत अच्छा, आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। हम नहीं बोल पाते इतना ढंग से। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, अच्छा लगता है ये सुनना। हरे कृष्णा माता जी पढ़वाइए। हरे कृष्णा माता, सुमन कुलर माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी का तात्पर्य भगवान तथा ग्वाल बालों के माध्यम बालपन के खेल के विषय में सुखदेव गोस्वामी जी ने श्री भागवतम 10.12.11 में कहा है, इथत सता ब्रह्म सुखानुपोत्या दस्य गतना पर देवतेना माया शीतलाना नरदर केना साक विचाहु कृत पुण्य पुंजा। ज्ञानियों द्वारा निरंकार आनंदमय ब्रह्म के रूप में अनुभव किए जाने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनकी पूजा भक्तों के द्वारा परमेश्वर के रूप में दास्या भाव में की जाती है, और संसारी लोग जिन्हें सामान्य मनुष्य मानते हैं वे उन ग्वाल वालों के उन ग्वाल बालों के साथ खेले जिन्होंने अनेक पुण्य कर्मों के संचय के फल स्वरूप यह पद प्राप्त किया था। इस प्रकार भगवान अपने आध्यात्मिक संगियों के साथ दिव्य शांत दास्य सांख्या वलस्य तथा मधुर स्वंदों में प्रेम पूर्ण कार्यकल्पों में सदैव व्रत रहते हैं, क्योंकि यह कहा जाता है कि भगवान कृष्ण सभी वृंदावन धाम छोड़ते नहीं। तो यह प्रश्न किया जा सकता है कि सृष्टि के संचालन का कार्य किस तरह संभालते हैं। इसका उत्तर भगवद गीता के 13वें अध्याय के 18वें श्लोक में इस प्रकार दिया हुआ है कि भगवान अपने पूर्ण अंश परमात्मा रूप द्वारा सारी भौतिक सृष्टि में व्याप्त रहते हैं। यद्यपि भगवान की व्यक्तिगत रूप से सृष्टि पालन तथा संहार के इस प्रकार का सपोर नहीं रहता, लेकिन वह इन सारे कार्यों को अपने पूर्ण विस्तार परमात्मा द्वारा कराते हैं।
प्रत्येक जीव आत्मा कहलाता है और प्रमुख आत्मा जो इन सबको वश में रखते हैं वे परमात्मा कहलाते हैं। ईश्वर साक्षात्कार की यह पद्धति एक महान विज्ञान है। भौतिकवादी सांख्या योगी इस भौतिक सृष्टि के 24 तत्वों का विश्लेषण तथा चिंतन ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पुरुष अर्थात भगवान के विषय में कोई जानकारी नहीं रहती और निर्विशेष आत्मवादी अध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति के चकाचौंध मात्र से ही मोहित हो जाते हैं। यदि कोई सचमुच परम सत्य को पूरी तरह जानना चाहता है तो इसे 24 भौतिक तत्वों एवं ब्रह्म ज्योति को भेद करके ही परे जाना होगा। श्री ईशो उपनिषद हिरण्यमय पात्र या भगवान के दीपमान अभरण को हटाने के लिए प्रार्थना करते हुए इसी प्रकार संकेत करती है कि जब तक यह आवरण हटा नहीं दिया जाता जिससे कि मनुष्य भगवान के असली कमल मुख का दर्शन कर सके, तब तक परम सत्य का वास्तविक साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। परमात्मा स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के तीन संशांक विस्तारों के विष्णु तत्वों में से एक है, जिन्हें सामूहिक तौर पर पुरुष अवतार कहा जाता है। इन विष्णु तत्वों में से जो कि ब्रह्मांड के भीतर स्थित है, शिरो दक्षिणशायी विष्णु के नाम से जाने जाते हैं। वे तीन प्रमुख देवता ब्रह्मा विष्णु शिव में विष्णु और प्रत्येक जीव के सर्वव्यापी परमात्मा है। ब्रह्मांड के दूसरे विष्णु तत्व गर्भोदयशायी विष्णु समस्त जीवों के भीतर का सामूहिक परमात्मा है। इन दोनों के आगे कर्णोदयशायी विष्णु है जो कारण सागर में शयन करते हैं। वे समस्त ब्रह्मांड के सृष्टा हैं। योग पद्धति और गंभीर जिज्ञासु को विराट सृष्टि के 24 तत्वों को लाकर विष्णु तत्व से भेंट करने की शिक्षा देते हैं और ज्ञान और अभ्यास में निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति करने में सहायता मिलती है। जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर को दैत्यमान तेज है, ब्रह्म ज्योति कृष्ण का तेज है, उसकी पुष्टि श्री भागवत गीता के 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में तथा ब्रह्म संहिता के 4थे अध्याय के 40वें 5वें अध्याय के 40वें है, जो दोनों में की गई है। यस्य प्रभा प्रभोवतो यज्ञ दंड कोटि कोटि विशेष वसुधा विधि विभूति भिन्नम तथा ब्रह्म निष्कलम नाम शेष भूते गोविंदा मापुष्यतमं भजहि। लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य ग्रह हैं और जिसमें से प्रत्येक ग्रह अपनी विराट संरचना के कारण एक दूसरे से भिन्न है। ये सारे ग्रह ब्रह्म ज्योति के एक कोने में स्थित है। ये ब्रह्म ज्योति उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की केवल शारीरिक किरणें मात्र है जिनकी मैं पूजा करता हूँ। ब्रह्म सीता का यह मंत्र परम सत्य के वास्तविक साक्षात्कार के आधार पर कहा गया है और श्री ईशोपनिषद का यह श्रुति मंत्र इस मंत्र की पुष्टि साक्षात्कार की विधि के रूप में करता है। यह ईशोपनिषद मंत्र तो भगवान में से की गई एक विनती प्रार्थना है। वह ब्रह्म ज्योति के तेज को हटा दे जिससे उनके वास्तविक सुख का दर्शन किया जा सके। इस ब्रह्म ज्योति के तेज का वर्णन मुंडक उपनिषद 1.10.12 के कुछ मंत्रों के विस्तार के ऊपर किया गया है। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, श्री प्रभुपाद जी के जय, श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। माता जी यहाँ ऊपर से हिरणमय से पढ़ना है जी। हिरणमय परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तच्छु ब्रह्म ज्योतिषाम ज्योतिस्तद्धात्म विदो विदुः न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् नेमा विदुतो भान्ति कुतो अयम् आग्रहि तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ब्रह्मवेदमृतं पुरस्ताद् ब्रह्म पस्वादः दक्षिण श्रोतरेण अधस्रोथर्व च प्रसृतं ब्रह्म वेदं
वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्। भौतिक आवरण के उस पार के दिव्य क्षेत्र में अनंत ब्रह्म ज्योति है, जो भौतिक कल्मश में कल्मश से रहित है। उस तेजस्वी श्वेत प्रकाश को अध्यात्म वेता सभी प्रकाशों में सर्वोत्तम प्रकाश के रूप में जानते हैं। उस प्रक्षेत्र में प्रकाश के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि या विद्युत की जरूरत नहीं होती। निसंदेह भौतिक जगत में जो भी प्रकाश हमको देखने को मिलता है, वह उसी सर्वोपरि प्रकाश का परावर्तन मात्र है। वह ब्रह्म आगे भी है और पीछे भी है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भी है एवं ऊपर तथा नीचे भी है। दूसरे शब्दों में वह सर्वोपरि ब्रह्म ज्योति भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र व्याप्त है। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण को ब्रह्म तेज के मूल के रूप में जानना। श्री कृष्ण ब्रह्मा के मूल हैं और श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों से जहाँ कृष्ण विज्ञान का विशद विवेचन हुआ है, यह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत में इसके रचयिता श्री व्यास देव ने जोर दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार परम सत्य का वर्णन ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के रूप में करता है। श्री व्यास देव यह भी नहीं कहते कि परम सत्य एक सामान्य जीव है। जीव को कभी भी सर्वशक्तिमान परम सत्य नहीं मानना चाहिए। यदि वह ऐसा होता तो फिर उसे भगवान से यह प्रार्थना करने की आवश्यकता न पड़ती कि आप अपना देदीप्यमान आवरण हटा लीजिए, जिससे हम आपके असली रूप का दर्शन कर सके। निष्कर्ष यह है कि परम सत्य की आध्यात्मिक शक्तिमान अभिव्यक्तियों के अभाव में निराकार ब्रह्म की अनुभूति होती है। इसी प्रकार जब किसी को भगवान की भौतिक शक्तियों की अनुभूति होती है किंतु उनकी आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान नहीं रहता है या अल्प ज्ञान रहता है, तो उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इस प्रकार परम सत्य की ब्रह्म तथा परमात्मा दोनों ही अनुभूतियां आशिक हैं, किंतु जब कोई हिरण्मय पात्र को हटाकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पुण्य शक्ति का अनुभव करता है, तो उसे वासुदेव सर्वम इति अर्थात वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान है की अनुभूति होती है। वे मूल रूप भगवान है और ब्रह्म तथा परमात्मा उनकी शाखाएं हैं। भगवत गीता में तीन प्रकार के अध्यात्म वादियों का तुलनात्मक विवेचन किया गया है। ये है निराकार ब्रह्म के उपासक ज्ञानी, परमात्मा स्वरूप के उपासक योगी तथा भगवान कृष्ण के भक्त भक्त। वहाँ कहा गया है कि समस्त प्रकार के योगियों में जो ज्ञानी है अर्थात जिन्होंने वैदिक ज्ञान का अनुशीलन किया है, सामान्य सकाम कर्मियों से श्रेष्ठ है, लेकिन योगी इनसे भी श्रेष्ठ है। इन योगियों में से जो पूरी शक्ति से भगवान की निरंतर सेवा करते हैं, वे सर्वोच्च हैं। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि एक दार्शनिक अर्थात विचारक एक श्रमिक से श्रेष्ठ है और एक योगी एक विचारक से श्रेष्ठ है, और सभी योगियों में से वह योगी जो भक्ति योग का पालन करता है और निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है, सर्वश्रेष्ठ है। ईशो उपनिषद हमें इसी पूर्णता की ओर निर्देश करती है। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तीन प्रकार के भगवद गीता में तीन प्रकार के अध्यात्म वादियों, योगियों, ज्ञानियों और भक्त, भक्त योग, ज्ञान योग और आपका ब्रह्म योग। कुछ लोग ब्रह्म तक, जिस ब्रह्म की, ब्रह्म ज्योति की इस श्लोक में चर्चा की गई है, भगवान का भक्त कहता है भगवान ये चमक को हटाइए क्योंकि आपका मुखमंडल देखना है। इसका मतलब भक्त इस ब्रह्म ज्योति से खुश नहीं होता, भगवान के रूप को देखना चाहता है और भगवान का तेज इतना है कि दिखता नहीं। तो श्लोक कहता है उस तेज को हटा लीजिए। वो तेज क्या है? ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति जिसको ज्ञानी लोग उसी में अपने को लीन करना चाहते हैं। ज्ञानी वो हैं निर्विशेषवादी, वो कहें अहम ब्रह्मास्मि, हम भगवान हैं, भगवान में लीन हो गए तो हम भी भगवान हो गए। ये एक। दूसरे होते हैं योगी, जो अपने हृदय में परमात्मा को लाने की कोशिश करते हैं।
बहुत तपस्या करते हैं दोनों, ब्रह्म ये आपके ब्रह्म ज्योति वाले भी, जो बहुत सारे शाखाएं हैं आप जानते होंगे, उनको जो कहते हैं प्रकाश का एक पुंज, एक बिंदु, वो है लक्ष्य उनके जीवन का। वो तपस्या करके उसमें लीन हो जाना चाहते हैं, वो भगवान का, वो भगवान है, भगवान में लीन हो गए तो आप भी भगवान हो गए, ये उनकी सोच है। बट वो इतना छोटा नहीं है, क्योंकि पूरे वेदांत सूत्र का अध्ययन करते हुए जाते हैं वो। वेदांत सूत्र का जो भावार्थ है उसको वो निर्विशेष बात की तरफ ले जाते हैं कि भगवान का रूप है ही नहीं, क्योंकि वेदांत सूत्र में आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये उनका अज्ञान है, क्योंकि वो वेदांत सूत्र को ठीक ढंग से उसकी व्याख्या नहीं करते। तो वेदांत सूत्र की जो व्याख्या है जो भक्तों के लिए, वो भागवतम है। भागवतम एक्चुअली वेदांत सूत्र का की व्याख्या ही है। तो वो लोग इस चीज को नहीं मानते, कोई बात नहीं, वो भी भक्त हैं, जाने दीजिए, भगवान के वो रूप को नहीं मानते उसको, तो इनको कहते हैं ज्ञानी, और अपने दिमाग को बहुत लगाते हैं, ये है ऐसा तो ऐसा, इस ऐसा है तो ऐसा, भक्ति में ये दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। दूसरे हैं योगी, योगी परमात्मा को तक पहुंचना चाहते हैं, बड़ी तपस्या करते हैं, और उनको कभी कभी सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती है, ये हुए योगी। और भगवान का भक्त भगवान के धाम जाना चाहता है, वो कहता है प्रकाश को हटाइए, आपका मुखमंडल देखना है मेरे को। तो ये तीनों हैं क्या, भगवान की अनुभूति तीन तरह के लोग अपने अपने ढंग से कर सकते हैं। भक्त तो भगवान के धाम जाना चाहता है, और ये जो आपके निर्विशेषवादी हैं ब्रह्म ज्योति तक जाना चाहते हैं, योगी जो है परमात्मा तक जाना चाहते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आता है कि भगवान है, परमात्मा है, ब्रह्म ज्योति है, इनमें ये भगवान नहीं है, बिल्कुल है, ये भगवान के जैसे परमात्मा है, स्वांश है, भगवान का अंश है, विष्णु तत्व है, लेकिन परमात्मा वो सारा कुछ नहीं करते जो भगवान करते हैं। तो भगवान की अनुभूति क्यों न किया जाए, ये है। परमात्मा भी भगवान ही है, ब्रह्म भी भगवान ही है, तो वो अपने को मैनिफेस्ट नहीं करते उतना, जैसे ब्रह्म बिल्कुल कुछ करते ही नहीं है, परमात्मा तो बहुत कुछ करते हैं, हमारे हृदय में है। और जब परमात्मा हमारे हृदय में हमको दिख जाए, आंख बंद करेंगे लाइट, परमात्मा कहते हैं हाँ बेटे क्या चाहिए तुमको, कहे मुझे भक्ति करनी है, हाँ तो बताएंगे ऐसे कर ये कर, सलाह देंगे आपको। आपने कहा कि नहीं, आपने उनकी तरफ पीठ कर दी, तो नहीं मुझे तो भौतिक जगत में बड़ा आनंद आ रहा है, मैं तो दिन में 2 बार सिनेमा देखता हूँ, 4 बार किसी रेस्टोरेंट में खाना खा के आता हूँ, ये अगर बुद्धि मेरी हर ली गई तो ये, क्योंकि ये तो कुत्ता भी करता है, कुत्ता भी खाता है, कुत्ता भी सोता है ना, हर जानवर 84 लाख में कोई ऐसा नहीं है जो ईटिंग, खाना, स्लीपिंग, सोना और डिफेंडिंग, अपने को बचाने का, हर जीव अपने को बचाने की कोशिश करता है उस पर जब अटैक होता है, और चौथा बच्चे पैदा करता है, वो तो सब करते हैं। तो ये जीवन आपको किसने मिला है, भगवान ने क्यों दिया है कि बच्चे आ जा अपने घर वापस आ जा, तूने गलती की थी, तूने कहा मुझे जाना है, तो अब वापस आ जा अपने घर। अपने घर जाने के लिए अपने घर में क्या है, आपका शाश्वत रूप था, और अभी तो आप इस सड़े हुए शरीर को लेके घूम रहे हैं। ये शरीर मैं क्यों कह रहा हूँ सड़ा हुआ, क्योंकि अगर इसमें कहीं पर कट जाए और उस पर वो न लगाया जाए, बदबू आने लगती है, और बदबूदार चीज हमारे पेट में भरी पड़ी है, किस बात का घमंड है हमको, बढ़िया हूँ ऐसा मेरा शरीर,
अंदर तो हमारा आत्मा में मल भरा पड़ा है, ये ऐसा हमारा शरीर है, और हमारे ये जो यूरिनरी ट्रैक है, एक गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है जिससे आपका मल निकलता है, एक आपका यूरिनरी ट्रैक है जिससे आपकी पेशाब निकलती है, ये गंदगी है, नाक से गंदगी, मुंह से गंदगी, कान से गंदगी, आंख से गंदगी, जितने भी द्वार हैं ये 9 द्वार, इनसे गंदगी, और गंदगी फिर आपके शरीर में बाल हैं, बाल के रोहों से उधर से आपका पसीना निकलता है, और अगर ह्यूमिड क्लाइमेट हो और आप बस में जाएं तो सबसे स्मेल आती है, क्योंकि सबके शरीर से पसीना बाहर को निकलता है, तो और इस शरीर पर हमको इतना घमंड है, ये तो आपको क्या चाहिए, शाश्वत शरीर, जिस शरीर से कोई बदबू ही ना आए, ठीक है, वो कब संभव है, जब हम भक्त बने भगवत धाम चले जाए, तो इसकी इसमें व्याख्या की गई है। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विषये शून्यवादी पाश्चात्यस्तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा साधि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।